आज मैं फुल डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूं 2024 की न्यूली लॉन्च बजाज की पल्सर N160 डिजिटल मीटर वेरिएंट को न्यूली लॉन्च बजाज की पल्सर N150 डिजिटल मीटर से। दोनों ही OD2 वाले मॉडल हैं, दोनों ही बाइक हाल ही में लॉन्च की गई हैं, दोनों की माइलेज, टॉप स्पीड, परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है, दोनों में फीचर्स आपको क्या क्या अलग मिल जाते हैं। प्राइस की बात करूं तो भाई N160 की ऑन रोड है 1,62,556 रुपये और N150 की ऑन रोड है 1,47,693 रुपये। दोनों में 14,865 रुपये का अंतर है। चलिए जानते हैं कौन सी आपको लेनी चाहिए। फ्रंट में आते हैं तो भाई दोनों में आपको सेम हेलोजन वाले टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। दोनों में जो हेडलाइट है वो भी आपको सेम की सेम मिल जाती है। इंजन को मैं स्टार्ट कर देता हूँ, इसमें आपको LED DRL आपको मिल जाते हैं और नीचे में वाई फंक्शनल प्रोजेक्टर वाला सेटअप आपको मिल जाता है। और इंजन को मैं बंद कर देता हूँ, सेम यही चीज़ आपको N150 में भी मिल जाती है। 150 में आपको 33mm के टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा इसको प्लास्टिक से कवर किया गया, लेकिन N160 में 37mm के 37mm के टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं जो कि थोड़े से मोटे हैं। इसका जो मडगार्ड है ये थोड़ा सा यू शेप में है, दो पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पर आपको ग्रे, वाइट और रेड कलर के स्टिकर मिल जाते हैं। और N150 का जो मडगार्ड है ये थोड़ा सा आपको पतला मिलता है जो कि थोड़ा सा वी शेप में है, ये भी आपको दो पार्ट में डिवाइड मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगल बगल में आपको छोटे मोटे स्टिकर मिल जाते हैं ग्रे कलर में। दोनों ही बाइक में आपको सेम टू सेम हैंडल बार मिल जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपराइट हैंडल बार आपको मिलती है जो कि थोड़ी सी ऊँची है। N150 में आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल का सेटअप मिल जाता है जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाती है। सेम यही वाला मीटर आपको N160 में भी आपको मिल जाता है, इसमें भी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है जिसमें SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट और यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, ओडोमीटर, ट्रिम मीटर, RPM मीटर, घड़ी आपको मिल जाती है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, नीचे में फ्यूल कॉस्ट दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलती है, इसमें ऑयल इंडिकेटर आपको मिल जाता है जो आपको N150 में यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इस बाइक में यहाँ पर आपको एक मोड का बटन मिलता है, जैसा कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के तौर पर यहाँ पर आपको रियल माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है, DTE भी आपको मिल जाता है। ये सारे फीचर्स आपको N150 में भी आपको मिल जाते हैं। जो स्विच की असेंबली है वो आपको सेम टू सेम मिलती है पासिंग, और इसी में आपको अपर डिपर मिल जाता है, यहाँ पर इंडिकेटर और हॉर्न। हॉर्न का साउंड कुछ ऐसा है और N160 का कुछ ऐसा है हॉर्न का साउंड, इसका थोड़ा सा लाउड है, पैना है। और यहाँ पर जो क्लच है वो भी आपको काफ़ी लाइट मिलती है, इसकी भी जो क्लच है वो भी आपको काफ़ी लाइट मिलती है। N160 में एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलती है, यहाँ पर आपको एक हेडलाइट की बटन मिल जाती है जो आपको N150 में आपको मिसिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको N160 का साउंड आपको सुना देता हूँ। अब आपको सुना देता हूँ N150 का साउंड। तो दोनों बाइक के एग्जॉस्ट के साउंड में 19-20 का ही अंतर है, इसका थोड़ा सा भारी है, इसका थोड़ा सा हल्का है। N150 में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, 260mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाती है, दोनों साइड में रिफ्लेक्टर और यहाँ भी आपको दोनों साइड में रिफ्लेक्टर मिलते हैं। यहाँ पर 300mm की 40mm बड़ी डिस्क ब्रेक मिल जाती है, इसमें डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, इसमें क्रेमिका कंपनी के कैलिपर मिलते हैं। यहाँ पर 100x80 सेक्शन का टायर आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 90x90 सेक्शन का टायर मिलता है। इसका जो टायर है वो 90mm का है और इसका जो टायर है वो आपको 100mm का चौड़ा मिल जाता है, लेकिन अलॉय व्हील की जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर थोड़ी सी अलग है और N150 के अलॉय की जो डिज़ाइन है वो भी आपको थोड़ी सी अलग मिलती है। N150 का जो साइड बॉडी पैनल है इसमें थोड़ा सा कार्बन फाइबर टच आपको मिल जाता है, यहाँ पर जो डिज़ाइन है बीच वाली ये थोड़ी सी आपको अलग मिलती है N160 के साइड बॉडी पैनल के मुकाबले, ठीक है। यहाँ पर जो काउल है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा आपको मिल जाता है, थोड़ा सा बल्की और हैवी आपको मिलता है, इसके ऊपर में N160 लिखा हुआ है, लेकिन N150 का जो काउल है वो आपको थोड़ा सा यहाँ तक लंबा मिलता है जिसमें N150 लिखा हुआ है, जिसमें रेड और ग्रे कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये जो काउल वाला हिस्सा ये आपको थोड़ा सा पतला नज़र आता है कंपेयर टू N160 बाइक के मुकाबले। यहाँ पर आपको स्प्लिट वाले ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको सिंगल पीस वाला ग्रैब हैंडल मिलता है,
इसमें जो टेल लाइट है वो आपको स्प्लिट में मिलती है, सेम यही वाली जो टेल लाइट है वो आपको N160 में भी मिल जाती है। N160 का जो पिछला वाला मडगार्ड है ये आपको कुछ इस तरह का मिलता है, जो कि थोड़ा सा स्टाइलिश है, लेकिन N150 का जो पीछे वाला मडगार्ड है ये आपको थोड़ा सा ऊपर से चौड़ा मिल जाता है, ठीक है। इस बाइक में आपको सिंगल सीट मिल जाती है, जो कि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये जो बाइक है वो थोड़ा सा फैमिली वालों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल मानी जाएगी, क्योंकि इसमें सिंगल सीट आपको मिलती है और इसमें आपको 790 mm की सीट हाइट मिलती है। लेकिन वहीं पर N160 में आपको स्प्लिट वाली सीट मिल जाती है, इसमें आपको सिंगल सीट का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें आपको मिलती है 795 mm की सीट हाइट, जो कि N150 से 5 mm ज़्यादा है। अब देखो सेफ्टी की बात आती है तो भाई N160 में डुअल चैनल ABS मिलता है, यहाँ पर 230 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है, पीछे भी आपको ABS मिल जाता है, लेकिन वहीं पर N150 में पीछे में 230 mm की डिस्क तो मिलती है लेकिन यहाँ पर आपको ABS नहीं मिलता है। पिछली वाली वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई ये तो ABS की प्लेट है, भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये ABS की प्लेट नहीं है, ये स्पीड सेंसर की प्लेट है, जिसकी वजह से इसका जो पीछे वाला टायर घूमता है तो इसका मीटर चलता है, ठीक है। यहाँ पर 120/80/17 का ट्यूबलेस टायर मिलता है, इसका जो टायर है वो 120 mm चौड़ा है, लेकिन यहाँ पर N160 में 130/70/17 का ट्यूबलेस टायर मिलता है, यहाँ पर जो टायर है वो 130 mm का चौड़ा है, ये टायर इस वाले टायर से 10 mm ज़्यादा चौड़ा मिलता है। लेकिन दोनों बाइक के जो टायर हगर की जो डिज़ाइन है वो आपको सेम टू सेम मिल जाती है, और दोनों बाइक में जो सस्पेंशन है ये भी आपको मोनोशॉक एडजस्टेबल मिल जाते हैं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मड फ्लैप है ये आपको थोड़ा सा छोटा मिलता है N160 में, लेकिन यहाँ पर जो मड फ्लैप है वो आपको थोड़ा सा बल्की और थोड़ा सा चौड़ा मिल जाता है। N150 में भी आपको 14 लीटर का मेटल बॉडी का टैंक मिलता है, E20 का अपडेट आपको मिल जाता है, USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट, और जो टैंक है वो मेटल का है लेकिन जो काउल है वो आपको प्लास्टिक के मिलते हैं। यहाँ पर पल्सर का 3D में डार्क क्रोम वाला एम्ब्लेम आपको मिल जाएगा, जो काउल है वो तो प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, लेकिन जो डिज़ाइन है टंकी के काउल वगैरह की वो आपको सिमिलर मिलती है, N160 वाली ही आपको सेम टू सेम मिल जाती है। यहाँ पर सब कुछ आपको वही मिलता है जो N150 में मिलता है, यहाँ भी आपको E20 USB चार्जर, 14 लीटर का मेटल बॉडी का टैंक। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो भाई N160 का जो माइलेज है वो रहता है 45 से लेकर 47 के आसपास, और N150 का जो माइलेज है वो रहता है लगभग 45 से लेकर 50 के बीच में, मतलब कि 50 तक का ये हाईएस्ट आपको दे देती है। टॉप स्पीड इसकी जाती है 126 के आसपास और N160 आपकी चली जाती है 128 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। अब देखो आती है मेन मुद्दे की बात, वो ये है कि भाई N160 में आपको किक स्टार्ट आपको नहीं मिलता है, इसमें किक का कोई भी लीवर आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, इसमें जो इंजन है वो आपको ऑयल कूल्ड वाला मिल जाता है, लेकिन वहीं पर N150 में आपको प्लस पॉइंट के तौर पर किक स्टार्ट का लीवर मिल जाता है, आप इसको किक और सेल्फ दोनों से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो इंजन है वो आपको एयर कूल्ड वाला मिलता है, जो कि हवा से ही ठंडा होने वाला है। इसका जो इंजन गार्ड आप देख रहे हैं ये दो पार्ट में डिवाइड है, जो कि प्लास्टिक का है, लेकिन N160 का जो इंजन गार्ड है ये आपको थोड़ा सा तीन पार्ट में डिवाइड मिलता है, जो कि थोड़ा सा हिलाओगे तो हिलेगा भी नहीं। इसमें भी आपको सेम 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है, सेम यही ग्राउंड क्लियरेंस आपको N150 में भी मिलती है। N160 का जो क्रैश गार्ड आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा छोटा है, मेरे हाथ में भी आ रहा है, लेकिन N150 का जो भाई क्रैश गार्ड है ये मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, ज़्यादा बड़ा भी है। इसमें भी सिंगल हॉर्न है, इसमें भी आपको सिंगल हॉर्न आपको मिलता है। अब इसमें आपको मिलता है 163 cc का ऑयल कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वाल्व BS6 फ्यूल इंजेक्टेड वाला नॉन DTSI Fi वाला इंजन। ये इंजन आपको मैक्स पावर देता है 16 PS की 8,750 RPM पर, और इस इंजन से आपको अधिकतम टॉर्क मिलता है 14.65 Nm का 6,500 RPM पर। लेकिन जब हम बात करते हैं भाई N150 के बारे में तो यहाँ पर आपको मिलता है 149 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वाल्व BS6 Fi नॉन DTSI Fi वाला नया इंजन, जो आपको देता है 14.5 PS की मैक्स पावर और 13.5 Nm का टॉर्क। इसमें जो टॉर्क है वो आपको 1 Nm का कम मिलता है और जो पावर है वो आपको 1.5 BHP की कम मिलती है, लेकिन सिटी राइड के हिसाब से ये जो बाइक है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट देने वाली है कंपेयर टू N160 के मुकाबले। 160 का वज़न है 154 kg और 150 का वज़न है 141 kg के आसपास डिस्क लगने के बाद, मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि ये जो बाइक है वो 13 kg भारी है। यहाँ पर जो जाली है साड़ी गार्ड वाली अब वो आपको थोड़ी सी अलग मिलती है, लेकिन डिज़ाइन वगैरह थोड़ी सी अलग है लेकिन सब कुछ सेम ही है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा साड़ी गार्ड आपको मिल जाता है, जो आपको
N160 में नहीं मिलता है। गियर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 गियर मिल जाते हैं, पहला डाउन, 4 अप। तो सेम यही गियर बॉक्स आपको N150 में भी मिल जाता है। दोनों ही बाइक में आपको टॉर्क ऑन डिमांड भी आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि N160 आपको लेनी चाहिए या 150 आपको लेनी चाहिए। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा सिटी में ज़्यादा चलना है, आपको थोड़ा सा माइलेज आपको ज़्यादा चाहिए और आपको फैमिली में बाइक चलानी है, लेडी प्लेन को बैठाना है, सीट कंफर्ट आपको ज़्यादा चाहिए और आपको थोड़ा सा हल्की बाइक चाहिए कम बजट में, तो आप N150 को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा हाईवे पे चलना है, 100, 110, 120 में अगर आप ब्रेकिंग करते हैं, आपको ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, बाइक आपकी रोड से चिपक के चले, आपको स्प्लिट सीट आपको चाहिए, तो N160 में जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कोलकाता, हावड़ा, हुगली आसपास से हैं और बजाज की कोई भी बाइक लेना चाहते हैं तो रोल्टा बजाज बागुईहाटी BIP रोड कोलकाता शोरूम में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये दोनों बाइक मिल जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करें।